हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट जॉब्स। में फ्रेंड्स, आज का जो वैकेंसी है वो क्रिप्को की तरफ से निकल कर आ रही है, जिसमें बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं। परमानेंट जॉब है, फ्रेशर्स इसके लिए कंप्लीट एलिजिबल है। कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं रखा गया है। इसमें आप लोगों को पैकेज 14.37 लाख पर एनम मिल जाएगी। इसमें ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट से आप लोग बिलोंग करते हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीड्योर और एप्लीकेशन प्रोसीड्योर सब कुछ मैं वीडियो में आगे जाकर डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो फ्रेंड्स, ये है इसका ऑफिशियल वेबसाइट जो आप लोग देख पा रहे हो, कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड की तरफ से आया है। तो फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन स्टार्ट करने से पहले अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आप लोग को आने वाले सारी अपडेट मिल सके। और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले ऐसे अच्छे अच्छे नोटिफिकेशन आप लोग के लिए लेके आने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं नोटिफिकेशन की। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एक परमानेंट जॉब है, कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल या तो टेम्पोरारी जॉब नहीं है। इसमें ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी पोस्ट के लिए वैकेंसी निकल के आया गया, जिसमें केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। एडुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आप लोग केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में से 4 साल का बीटेक की हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो फ्रेंड्स, इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग गेट 2022 पे क्वालिफाई किए हो तो ही आप लोग इसके लिए एलिजिबल हो, इसमें अप्लाई कर सकते हो। जो लोग गेट 2021 या तो उसके पहले क्वालिफाइड है वो लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं है, इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। और उसके साथ इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग 31 NITs, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग यानी कि दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, धर्मसी देसाई यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी निर्मा यूनिवर्सिटी और लाल भाई दलपत भाई कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग गुजरात, इन 4 यूनिवर्सिटी और 31 NITs में से अगर आप लोग किसी भी यूनिवर्सिटी में से इन 4 डिसिप्लिन में बीटेक करके रखे हो तो ही इसके लिए एलिजिबल हो, इसमें अप्लाई कर सकते हो। उसके साथ फ्रेंड्स, इसमें अप्लाई करने के लिए आपके बीटेक में मिनिमम 65% मार्क्स होनी चाहिए। नेक्स्ट फ्रेंड्स, इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग आपके बीटेक पे फाइनल ईयर पे हो या तो 2022 पे बीटेक कंप्लीट की हो तो ही आप लोग इसके लिए एलिजिबल हो, इसमें अप्लाई कर सकते हो। जो लोग 2021 या तो उसके पहले बीटेक कंप्लीट किया है वो लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं है, इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। उसके साथ फ्रेंड्स, आपके बीटेक में कोई भी बैकलॉग या तो गैप्स नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा फ्रेंड्स, आपके क्लास 10th और क्लास 12th में मिनिमम 60% मार्क्स होनी चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट 27 ईयर्स तक रखा गया है। उसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप लोग SC ST OBC कैंडिडेट्स हो तो उन लोगों को एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी। जैसे SC ST कैंडिडेट्स के लिए 5 साल का और OBC कैंडिडेट्स के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन आप लोगों को मिल जाएगी। इसमें अगर आप लोगों का सिलेक्शन हो जाता है तो सिलेक्शन होने के बाद आप लोगों को 1 साल के लिए ट्रेनिंग करवाया जाएगा और ट्रेनिंग कम्प्लीट होने के बाद आप लोगों को परमानेंट कर दिया जाएगा। ट्रेनिंग चलने के दौरान आप लोग को सैलरी 55,000 से लेके 1,30,000 पर मंथ मिल जाएगी, यानी कि आप लोग को एनुअल सर्टिफिकेट 13.05 लाख मिल जाएगी। और ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आप लोग को सीनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए एंगेज किया जाएगा, जिसमें आप लोग को एनुअल सर्टिफिकेट 14.37 लाख मिल जाएगी। जॉब प्रोफाइल का डिटेल्स यहीं पे मेंशन किया हुआ है, तो आप लोग अपनी सब उसका डिटेल्स चेक कर सकते हो। जॉब लोकेशन की बात करें तो फ्रेंड्स, यहीं पे आप लोग का जॉब लोकेशन हाजिरा, सूरत और नोएडा पे रहेगी। एप्लीकेशन फी की बात करें तो फ्रेंड्स, यहीं पे कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं रखा गया है, हर एक कैटेगरी के लिए फॉर्म कम्प्लीटली फ्री है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो फ्रेंड्स, सिलेक्शन प्रोसीड्योर इन्होंने इस नोटिफिकेशन पे कहीं पे क्लियरली मेंशन नहीं किया है, पर जितना मुझे लगता है कि सिलेक्शन प्रोसीड्योर में आपके बीटेक का मार्क्स और आपके गेट 2022 का जो स्कोर है उसके बेसिस पे आप लोग को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अगर आप लोग उसमें शॉर्टलिस्ट होते हो तो उसके बाद आप लोग को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और अगर आप लोग इंटरव्यू में क्वालिफाई कर जाते हो तो उसके बाद आप लोग का सिलेक्शन यहीं पे हो जाएगी। बट एक्चुअल सिलेक्शन प्रोसीड्योर क्या होगा वो आप लोग को बाद में नोटिस के थ्रू पे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। उसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप लोग का कोई भी डाउट्स है, क्वेश्चन है, तो आप लोग इसी मेल आईडी पे कॉन्टेक्ट करके आप लोग का डाउट्स वगैरह क्लियर कर सकते हो। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और इसमें अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट रखा गया है 20 जून 2022। एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो फ्रेंड्स, इसमें अप्लाई करने के लिए फर्स्ट आप लोग को न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोग के सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगी, जिसमें फर्स्ट आपको आपका नेम फिल करना है, उसके बाद आपको आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी फिल करना होगा, उसके बाद आप लोग को दोबारा ईमेल आईडी यहीं पे फिल करना है। नेक्स्ट आप लोग को कोई भी एक पासवर्ड चूज करने के बाद आपका डेट ऑफ बर्थ यहीं पे फिल करना होगा। डेट ऑफ बर्थ फिल करते ही यहीं पे ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। उसके बाद आप लोग को कैप्चा फिल करने के बाद सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोग का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद आप लोग को लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए आप लोग को
रजिस्टर्ड यूजर ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको आपकी ईमेल आईडी और पासवर्ड फिल करने के बाद लॉगिन ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आप लोग के सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगी और आप लोग वहां से आपका एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये है इसका आईटेल्स नोटिफिकेशन और फॉर्म फिलअप का आईटेल्स। आई होप आप लोग को हर एक इन्फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स या क्वेश्चंस है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन का पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, आप लोग वहां से चेकआउट कर सकते हो। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया हो तो जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैं जो भी वीडियोस बना के यूट्यूब में अपलोड करता हूँ उसका लिंक वगैरह मैं वहाँ पर शेयर कर देता हूँ। अगर आप लोग कोई भी नोटिफिकेशन नहीं पे मिस कर देते हो तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से चेकआउट कर सकते हो। उसके अलावा जॉब के रिलेटेड अगर कोई भी न्यूज तो इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देता हूँ और आगे भी शेयर करता रहूँगा। और उसके साथ एग्जाम का सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देता हूँ। तो अभी के अभी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए, आप लोग को भी फायदा मिलेगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगी और इसमें अप्लाई करने का लिंक भी आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगी। आप लोगों में से कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर रहे हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और आपका डिग्री एंड डिसिप्लिन कमेंट में जरूर मेंशन करना, ताकि आने वाले वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जॉब अपडेट्स लेके आ सकूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आप लोग को आने वाले सारी अपडेट मिल सके। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले ऐसे अच्छे अच्छे नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए लेके आने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नया जॉब नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।